नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की खबर आपको बता दें बिहार के सीतामढ़ी से, जहां चाचा को हराकर 23 वर्षीय नौजवान बना मुखिया। वहीं चाचा से लिया पिता की हार का बदला, 1152 मतों से करारी शिकस्त दी। सीतामढ़ी का बोखड़ा प्रखंड के बाजितपुर भावर पंचायत से एक 23 वर्षीय युवक सुनील पासवान ने मुखिया पद पर जीत दर्ज कर अपने नाम का डंका बजा दिया है। युवक ने अपने ही चाचा तथा निर्वर्तमान मुखिया दशरथ पासवान को 1152 मतों से करारी शिकस्त दी है। बता दें कि 23 वर्षीय युवक सुनील पासवान ने बताया कि उसने अपने पिता की हार का बदला अपने चाचा से लिया। सुनील ने जीत के बाद बताया वह लगातार जनता की सेवा में जुटा था और उसकी एकमात्र प्राथमिकता जनता की सेवा थी। उसने कहा कि वह अपने पंचायत से भ्रष्टाचार को दूर करेगा और जनता ने जो इतनी छोटी सी उम्र में उसे जिम्मेदारी दी है, जो विश्वास जताया है, उस पर वह हर संभव खरा उतरने का प्रयास भी करेगा। साथ ही उसने ये भी कहा कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की स्थिति को दुरुस्त करेगा। सरकार की सभी योजनाओं को जनता तक सहूलियत से पहुंचाने का भी काम करेगा। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। हमें देते हैं तो उसका हम काम करेंगे। इस विजन के साथ में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उप स्वास्थ्य केंद्र पंचायत में है ये नहीं है, सिर्फ पेपर पर है। शिक्षा देख लीजिए, सिर्फ चुनाव, जब चुनाव होता है तो 100 नेता आते हैं, प्रतिनिधि आते हैं और 100 बड़ा बात कहते हैं, हम यह करेंगे वह करेंगे, लेकिन कुछ करते नहीं है। फिर जो हम एरोप्लेन कहते हैं, पैराशूट, जब समय आता है तो जिस तरह बारिश होती है और जिस उस समय मेढक जब निकल जाता है बिल से, उस समय प्रतिनिधि प्रत्याशी निकल जाते हैं। हमारा यह मानना है कि जब विपक्ष में, तो हमारे विपक्ष में अगर कोई है तो वह मजबूती के साथ रहे, हमारे विपक्ष में वो मजबूती के साथ रहे, तब लोगों का, आवाम का विकास होगा।